हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया लेके आ गए हूं आर्किटेक्चरल मॉडल्स आप सबके लिए। यहाँ पे दो मेंशन भी कर दिए, दोनों के डायग्राम भी बना दिए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको मैं ये तमाम बातें जो बताने वाला हूं, एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हो अपनी तरफ से ज्यादा ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे मेरी रहने वाली। तो दोस्तों चलो यार नाम से शुरू कर लेते हैं। अब नाम में एक शब्द जुड़ा हुआ है आर्किटेक्चर, यहां पे नाम से अपन उसका काम जान सकते हैं। बेसिकली यहां पे आर्किटेक्चर शब्द जुड़ा हुआ है। सो इफ आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम, आप क्या बोलोगे, क्या होता है वो? सो आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम इज बेसिकली सिंपली इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हम लोग बात करते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स है, ओके, सिस्टम के कंपोनेंट्स की किस तरीके से लगी हुई है। लगी हुई नहीं मतलब यार कि वो जो आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से लगे हुए हैं आपके सिस्टम में, और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ये सारा मामला अपन जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ऐसा चाहिए होता है कि वो अभी की प्रेजेंट की तो डिमांड्स को पूरा करे ही, साथ ही साथ जो फ्यूचर में डिमांड जनरेट हो सकती है उसके लिए भी ये कैपेबल साबित हो सके आपका स्ट्रक्चर। तो यहां पे दो मॉडल्स का नाम निकल के आता है। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा पीयर टू पीयर मॉडल। एकदम सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल के साथ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ तमाम बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते भैया क्लाइंट सर्वर मॉडल के साथ। यहां पे दो चीजें अपने को दिख रही है क्या भैया, एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। मतलब अपने को यहां पे जो है रोल्स पता चल रहे हैं, डिस्टिंक्ट रोल्स जो है वो आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाए कि भैया कोई तो क्लाइंट होगा कोई सर्वर होगा, बराबर है। अब इनके बीच में क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें होती, क्या कौन कौन सी जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा मामला, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, ओके, उसको आप एज अ कंप्यूटर नोड कंसिडर कर सकते हो और उसके अंदर भैया प्रोसेस रन हो रही होती है, बराबर है। तो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन होता है वो ये प्रोसेसेस के बीच में होता है, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो प्रोसेस के बीच में होता है। तो अभी आप देख सकते हो ये आपका क्लाइंट का मशीन है, क्लाइंट का कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर मशीन है, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रोसेस है, इसमें भी एक प्रोसेस है, तो अपने को ये दो प्रोसेस पे ध्यान रखना होता है, ध्यान करना होता है केंद्रित। यहां आप अगर देखोगे तो ये कहलाएगा आपका क्लाइंट प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा आपका क्लाइंट प्रोसेस, और ये क्या कहलाएगा सर्वर प्रोसेस। ये दो प्रोसेसेस आपको याद रखना है इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली ना, ये जो क्लाइंट है इसको कुछ तो चाहिए भाई, बराबर है। ये हमेशा क्या करता रहता है, डिमांड करता है कि मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, इन्वोकेशन करता है टू द रिस्पेक्टिव सर्वर। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो एक रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट करता है भाई देख मेरे को ये रिसोर्स ये सर्विस की जरूरत है, ये आप मुझे दे सकते हो क्या, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सर्वर क्या करता है, अच्छा रिक्वेस्ट, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, देखता है कि रिक्वेस्ट क्या है, उस हिसाब से भैया मैं रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ओके। अब अगर उसके पास रिसोर्स जो सर्विस ये रिस्पेक्टिव क्लाइंट चाहता है वो अगर अवेलेबल है तो वो तुरंत उसको क्या कर देता है, रिस्पॉन्स देता है। किसे, क्लाइंट को, कौन, सर्वर। सर्वर प्रोसेस जो है आपके क्लाइंट प्रोसेस को रिस्पॉन्स देती है, जिसे अपन सिंपल भाषा में रिजल्ट भी बोल सकते हैं, बराबर है। तो ये रिक्वेस्ट रिजल्ट चलता रहता है, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में चले, जरूरी नहीं है। आपका सर्वर एक यहां पे होगा लेकिन उसके साथ बेसिकली क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट, कि यहां पे एक है दो है, चलो मेरे को यार थोड़ा सा कंटाला आ गया एक और यहां पे क्लाइंट बनाने पे, तो आप यहां बना सकते हो तीसरा चौथा, बराबर है। इस तरीके से यहां पे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं जो आपके सेपरेट सेपरेट मशीन्स पे हो सकते हैं पॉसिबली, और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को, और सर्वर फिर क्या करेगा, फाइनली उनको रिस्पॉन्ड करेगा या रिजल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं वो जनरेट करेगा और क्लाइंट को सिंपली देगा। लेकिन कई बार ना ऐसी सिचुएशंस होती हैं यार, देखो सबके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, दिस इज द नोन फैक्ट। जरूरी नहीं है यार कि लाइक यू नो यू हैव एन आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट, ऐसा जरूरी नहीं होता, सही बात है। तो भैया हम इसको बेचारे को क्यों यार यू नो इतना प्रेशर में डाले, ओके। जरूरी नहीं है कि यार समझ लो ये क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया, यानी कि एक सिंपल सवाल पूछा, जरूरी नहीं कि सर्वर के पास उसका आंसर हो, या फिर जो वो क्लाइंट चाहता है वो चीज आपके सर्वर के पास हो, ये जरूरी तो नहीं है। मे बी मान लो उसने यार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, आपने आपके सर्वर ने इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, उसने देखा एनालाइज किया रिक्वेस्ट को, उसको पता चला अरे भाई साहब ये जो मांग रहा है ये अपने पास तो है ही नहीं, तो अपन क्या करें, तो इसको निराश करेंगे क्या, नहीं, निराश करके क्लाइंट को तो चलेगा नहीं। तो अभी अपन क्या करते हैं, पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो दैट यू कैन एनकाउंटर, वो ये है कि आपका सर्वर फिर दूसरे सर्वर की मदद लेता है,
आपका सर्वर दूसरे सर्वर को इन्वोक करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है विद दैट रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट रिसोर्स और सर्विस दैट वाज दिस क्लाइंट वाज डिमांडिंग. वो सिंपली क्या कर रहा है, ए भाई तेरे पास ये चीज है क्या, मेरे को ये चाहिए, बराबर है, तो ये रिक्वेस्ट डाल रहा है. अब ये सर्वर भी क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को लेता है, ओके, एक तरीके से एक्सेप्ट करता है और फिर देखता है कि भैया रिक्वेस्ट के हिसाब से वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है या नहीं. अब इस केस में अगर आपने, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, अगर इसके पास मान लो वो चीज है जो यहां पर यह सर्वर मांग रहा है, तो वो क्या कर देता है, उसको रिजल्ट दे देता है. इस तरीके से ये काम चल रहा है. अगर आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि यहां पर कहला तो ये सर्वर ही रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन अब मैंने आपको दिखाई, ये वाली सिचुएशन, इसमें एक्चुअली ये क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है, क्लाइंट की तरह एक्टिंग कर रहा है भाई, एक्टिंग में बड़ा माहिर रही है, ओके, तो ये क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशन दैट यू कैन एनकाउंटर. एक सिंपल, मैं आपको ये तो टेक्निकल बातें मैंने आपको बता दी, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाओगे क्लाइंट सर्वर मॉडल को. देखो यार, एग्जामिनेशन हॉल में अपन सब बैठे हैं, अलग 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 एग्जाम अपन ने दिए हैं, ठीक है, अलग अलग क्या बोलते हैं लेवल के एग्जाम्स अपन सबने दिए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अपन बैठे हुए हैं. अब यहां पे आप जो हो, मतलब उस एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, दोज आर नथिंग बट क्लाइंट. जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो एग्जाम लिख रहे हैं भैया, ओके, कोरे पन्ने को भरने की कोशिश कर रहे हैं अपने आंसर्स के द्वारा, वो क्लाइंट है, ओके. और वो जो सामने एक में वो इंसान आपके सामने खड़ा रहता है, ओके, स्टैंडिंग पोजीशन या बैठा जो भी है, जिसे अपन इनविजिलेटर बोलते हैं, बराबर है, जिसे अपन इनविजिलेटर बोलते हैं, तो वो आपका सर्वर हो गया. तो क्लाइंट है यहां पे आप स्टूडेंट्स, और वो जो एक इनविजिलेटर है, मान लीजिए वो सर्वर है, ये सिचुएशन है, ठीक है. अब होता क्या है कि मान लीजिए यार, मेरे को ना बहुत आता है भैया, मेरे को हर सवाल का जवाब यहां पे आ रहा है. सो व्हाट आई वांट इज सिंपली, मेरे जो है पन्ने खत्म हो गए, तो मैंने भैया हाथ खड़ा किया, मैंने बोला सर सप्लीमेंट, मतलब एक्स्ट्रा शीट चाहिए मेरे को आंसर लिखने के लिए भाई, ठीक है, तो मैंने बोला सप्लीमेंट. तो बेसिकली ये क्या किया मैंने, ये मैंने रिक्वेस्ट किया, दिस इज नथिंग बट रिक्वेस्ट. मैं बोला सप्लीमेंट, सर होंगे सामने, मैडम हो सकते हैं, मैंने उनको बोला सप्लीमेंट. अब अगर वो सर या मैडम जो इनविजिलेटर है, उनके पास अगर सप्लीमेंट है, शीट्स अवेलेबल हैं, तो वो तुरंत आपको रिजल्ट दे देंगे, यानी कि सप्लीमेंट दे देंगे. लेकिन कई बार होता है, आपने भी एनकाउंटर किए होंगे ऐसे सिचुएशंस, कि सप्लीमेंट खत्म हो जाते हैं, बराबर है, आखिरी के एग्जाम के 10-15 मिनट बचे हैं और बच्चा सप्लीमेंट मांग रहा है, लेकिन सप्लीमेंट खत्म हो चुके हैं, मे बी बाकी सब में बांट दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ओके. अब क्या करें, तो वो क्या करते हैं, वो दरवाजे पे काका खड़े रहते हैं, है ना, हम सबको पता है ये सिचुएशन, हम सबको पता है, वहां पे दरवाजे पे काका खड़े रहते हैं. इनविजिलेटर साहब क्या बोलते हैं कि यार शीट लाके दो मेरे को, सप्लीमेंट लाके दो, ओके, अगर उनके पास होगा तो वो तुरंत दे देंगे, अगर उनके पास नहीं होगा तो वो आगे जाएंगे अगले सोर्स पे, जहां पे उनको लगता है कि शीट मिल सकती है, वहां से वो शीट लेंगे, फिर इनविजिलेटर को देंगे. इस तरीके से ये सारा काम चलता है. होप अभी आप क्लाइंट सर्वर मॉडल को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे विद दिस रिस्पेक्टिव रिलेटेबल एग्जाम्पल, ठीक है. ये तमाम मामला समझ में आ गया. अब आते हैं अगले मॉडल पे, पीयर टू पीयर मॉडल. एक मजे की बात बताऊं, यही एग्जामिनेशन हॉल वाला सिनारियो जो है वो पीयर टू पीयर मॉडल में भी आप देख सकते हो. बड़ा ही कमाल का एग्जांपल है ये, एक बड़ा कमाल का एग्जांपल है, जहां पे आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, पीयर टू पीयर मॉडल भी देखने को मिल जाएगा. बड़ा चमत्कारिक एग्जाम्पल है ये, ओके. अब आप बोलोगे पीयर टू पीयर ये कैसे अपने को एग्जामिनेशन हॉल में दिखने वाला है, बिकॉज यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर नो रोल्स, जैसे हमने एक डिस्टिंक्ट पॉइंट यहां मेंशन किया था कि डिस्टिंक्ट रोल्स होते हैं कि भैया कोई क्लाइंट होगा कोई सर्वर होगा, यहां ऐसा नहीं होता कि भैया तू क्लाइंट है तू सर्वर है, ऐसा कुछ नहीं होता. यहां सिंपली क्या हो रहा है कि यहां सब आपके ये यूजर्स हैं, ये क्या है आपके यूजर्स हैं. अब यूजर जो है अपनी कुछ रिसोर्सेस अगर दूसरों को देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, अगर कोई पूछ रहा है मुझे भैया ये रिसोर्स चाहिए. अब रिसोर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो टाइप के रिसोर्सेज ज्यादातर यहां पे भैया चलते हैं, प्रोसेसिंग पावर रिसोर्स हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है. तो ये आपस में एक दूसरे के साथ यहां पे शेयर हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. तो यहां कोई रोल नहीं है, यहां कोई रोल नहीं है कि हाँ ये क्लाइंट होगा ये सर्वर होगा, ना ना ना, देयर इज नो सच रोल. यहां सब एक तरीके से पीयर है, यहां आप देख सकते हो ये पीयर है, दीज आर द प्रोसेसेस एक तरीके से, और ये जो यूजर्स है उनके पास जो रिसोर्सेज है, अगर कोई अगर किसी को चाहिए तो वो एक तरीके से शेयर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. अब यही सिनारियो, इसी चीज को मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन हॉल एग्जाम्पल, ठीक है.
तो जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट इन दिस रिस्पेक्टिव मॉडल के परस्पेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो आपके यूजर्स ही है। ओके, अब हर यूजर के पास अपना कुछ ना कुछ होता है, बराबर है। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, पेंसिल होता है, पेन होता है, रबर होता है, इरेजर, रबर इरेजर एक ही बात है, शॉर्पनर होता है, बराबर है कि नहीं, स्केल होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास, पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए यार, अलग अलग चीजें होती हैं, बराबर है। तो सभी के पास अलग अलग मामला जो है वो होता है। अब मान लीजिए, वैसे तो ये अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, बट स्टिल वी ऑल नो यार कि अपन ये कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं कि मान लीजिए यार मैं पेंसिल लाना भूल गया, मेरे पास पेंसिल नहीं, तो अपन क्या बोलते हैं सामने वाले से, साइड वाले से, अपन क्या बोलते हैं भाई पेंसिल है क्या, भाई पेंसिल है क्या, तो वो क्या करता है अपने साथ पेंसिल शेयर करता है, मतलब उसके पास जो था रिसोर्स पेंसिल उसने अपने साथ शेयर किया। बात आपको समझ में आ रही है तो वो भी यूजर, आप भी यूजर, लेकिन क्या हुआ पेंसिल शेयर किया। ओके, अब वो पेंसिल आपने शेयर किया, आपने इस्तेमाल किया इस तरीके से। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, मान लीजिए आपके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा पेन है और जो आपके पीछे बैठा हुआ है उसका पेन खत्म हो गया, मतलब पेन की इंक खत्म हो गई, तो वो क्या बोल रहा भाई एक्स्ट्रा पेन है क्या, तो वो आपसे पेन लेता है, आप बोलता है मेरे पास है, तो वो आपसे रिसोर्स ले रहा है, पेन ले रहा है, आप भी यूजर हो वो भी यूजर है। यहाँ पे बेसिकली सभी एक समान है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सभी एक समान है, सभी को एक ही टैग लगता है स्टूडेंट्स, ये क्या लगता है स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, ये एक ही टैग रहता है। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई क्लाइंट सर्वर ऐसा इस मॉडल में नहीं होता, सभी आपके यूजर्स हैं जो अपनी जो रिसोर्सेज उनके पास है उसको एक तरीके से बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द पीयर टू पीयर मॉडल सेज। आई होप दोस्तों इस रिलेटेबल एग्जांपल के साथ आपको ये दोनों मॉडल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।